खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। जरा सी लापरवाही के कारण एक मासूम की मौत हो गई और एक मासूम अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। ड्राइवर द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली को लापरवाही पूर्वक गली के अंदर चलाने से खंभा टूट गया एवं एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। गंज बासौदा से 2 किलोमीटर दूर ग्राम सिरावदा में सुबह 8 बजे ट्रैक्टर टकरा जाने से सीमेंट का बिजली का खंभा गिर गया। खंभा वहीं खेल रहे संदीप एवं साहिल के सिर के ऊपर गिर गया, जिससे 6 वर्षीय मासूम संदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साहिल को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली को ड्राइवर अनस खां द्वारा एक मकान से ईंट बनाने का सामान भरने के लिए सकरी गली में लाया गया था। लोगों के मना करने के बावजूद ड्राइवर नहीं माना एवं लापरवाही से चलाने के कारण गली में लगे बिजली के खंभे से ट्रॉली के टकराने से बिजली का खंभा टूटकर वहां पर खेल रहे 2 बच्चों के ऊपर गिर गया, जिसके कारण एक 6 वर्षीय संदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है एवं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मकान से सामान भरने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को गली के बाहर खड़ा किया जा सकता था, लेकिन जरा सी लापरवाही एक निर्दोष बच्चे की मौत का कारण बनी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है एवं जांच की कार्यवाही में जुट गई है। ट्रैक्टर जो सामान भर के ले जा रहे थे ईंटे बनाने का, जो घर के रस्ती का जो ईंटे बनाते हैं मजदूर लोग हैं, इनका सामान ले जा रहे थे, तो ट्रैक्टर आगे भी खड़ा हो सकता था, मगर यहीं खड़ा करके भरा। फिर इसके बाद क्या किया, ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर भाग गया। आज सुबह लगभग 8:30 बजे ग्राम सरादा में अनस खां अपना खाली ट्रैक्टर टायर लेकर जा रहा था, उसकी लापरवाही के से गाड़ी चलाने के कारण बिजली का खंभा जो सीमेंट का था उसमें टक्कर लगी और गिर गया। पास में खड़े 2 बच्चे संदीप और साहिल घायल हो गए, जिसमें संदीप की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। साहिल को अस्पताल भर्ती किया गया है। प्रकरण में ट्रैक्टर जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। खबर समय जगत के लिए गंज बासौदा से अर्पित जैन की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।